ஆண்டவராக ஸ்தோத்திரம். பிரணாம் குருதேவ். आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी तक आइटम सॉन्ग अवार्ड तो मिला नहीं है, लेकिन कॉमेडी अवार्ड ऑलमोस्ट होने लगे बहुत जगह पे होते हैं और मिलते भी हैं। धन्यवाद मनोज सर, आपने इतने अच्छे महफिल में मुझे आने का मौका दिया। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत गंभीरता से कर ही नहीं सकता, वो मेरे तो रहेगी, वो आपकी कला है, वो मेरे गुरु मनोज जोशी ने मुझे सिखाएगी। हमारे गजेंद्र चौहान साहब ने मुझे कोई अच्छी बात बताई, लेकिन कोशिश करूंगा कि बातचीत में इस बात की मर्यादा रखूं कि किसी को बुरा भी ना लगे और सबको अच्छा भी लगे। राखी जी बहुत धन्यवाद, राखी जी को जोरदार ताली, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जबरदस्त जोरदार ताली। आज अगर नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पर होते, इस जगह पर होते और इस सभा को संबोधित करते तो अपने अंदाज में पेश कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो बताइए आगे हो सकता हूँ, अभी तक नहीं। मोदी जी आप आशीर्वाद दीजिए, अभी तक मैं दो ही पार्टी से हूँ, कुमार शानू मोदी ना है, दोनों मेरे लगते जिगर है, जिगर है, दिल है, समझ। थैंक यू सर। तो आइए थोड़ा जोरदार ताली बजा दीजिए, दरवाजे तो भाई नरेंद्र मोदी साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ पेश करने की, आज के माहौल में यहाँ पर होते कैसे होता। दादा प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी साहब का अंदाज पेश कर रहा हूँ और जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे इस चीज के लिए बुलाते हैं, ये मेरी रोजी रोटी है। आपको पता मोदी जी देश के लिए इतनी विदेश की यात्राएं कर चुके हैं, इतनी विदेश की यात्राएं कर चुके हैं कि करीब करीब उनकी आवाज में भी हवाई जहाज का आवाज आने लगा है। कैसे मित्रा, प्यारे भाई बहनों, आज मैं मुंबई आने वाला था, आप सबसे साथ वक्त गुजारने के लिए आने वाला था, परंतु एक काम आ गया, तो मेरे मन में जो है हाल आपको सुनाएगा सुनील पाल। मित्रों मत रो, अगले वर्ष आऊंगा वाया मेट्रो और आप सबको पार्टी दूंगा, आप सबको अपनी तरफ से पार्टी दूंगा, जिस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। वैसे सुनील जी को आज आप तो समझ रहे हैं, आज हम लोग चाहते हैं कोई ऐसी चीज जो कॉमेडियंस का कोई ऐसा इशू जो मैं भाई साहब के सामने रख सकूं, उसको जरूर बताइएगा। पक्का मैं उसी में जा रहा हूं सर, धीरे-धीरे उसी में जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कलाकारों से बहुत प्रेम करती, इसका नमूना आप देख सकते हैं मनोज तिवारी बाबू से हुए, कलाकारों को प्रेम करते जोरदार, इसीलिए जितने भी कलाकार जो अवार्ड के हकदार है, रिवार्ड के हकदार है, पॉलिटिक्स में आकर राजनीति करने के हकदार है, उनको मैं अपने दिल से उनके लिए प्रार्थना, जल्द से जल्द उन्हें अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा और मुंबई में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें उचित स्थान मिलेगा, क्योंकि अब दादा आ चुके हैं। इस देश में अमीर बहुत है, बहुत अमीर है, लेकिन जो गरीबों के काम आए ऐसे अमीर चंद है। आपको प्रणाम है, MBA करो, मोदी भक्त एसोसिएशन, धन्यवाद, थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, जो भी त्रुटि हुई क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूं।
कोई गलती हो जाए तो समझ जाए आज मेरी पत्नी मुझसे खरीद रखी डाली मुझे काला दिखाना काला मुझे काला दिखाओ मुझे काला दिखाओ अगर क्या कह रही हो हाँ थिएटर में चलो मुझे काला दिखाओ मैंने कहा सबसे बहुत काला हूँ मुझे देखने मेरी सजनी मैं इतना नजर एक बात बताओ हाँ पहले काली थी अभी बहुत गोरी हो गई है ये इसे कहते हैं सौ सुनार की एक बार और मदर बिया के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ डाउन टू अर्थ इतने डाउन टू अर्थ इंसान है सुपरस्टार रहे हैं नायक गायक विधायक भी बने और आगे चलके अब तो मेरे ख्याल से प्रधान मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बनने वाले हमारी शुभकामनाएं के साथ में मुख्यमंत्री बनने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं एक दिवाली सब में भारी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट और फिर एक बार कहना चाहता हूँ वैसे सर ये हम लोगों की ये एक खुशियां है यहाँ पे सुनील जी इसी कला के लिए जाने जाते हैं और मैं चाहता हूं कि चूंकि कोई प्रोड्यूसर की कोई बात आए यहाँ पे पीके भाई भी बैठे हैं पीके अरे बाप ये बहुत बड़े देश के बहुत बड़े साउंड इंजीनियर हैं भाई साहब मुझे लगता है कि गजेंद्र भाई ने भी बहुत उपयोग किया है उनका पीके जी का और हमारे यहाँ असलम शेख जी हैं असलम भाई को हम लोगों ने असलम भाई आप कौन है जूरी मेंबर नेशनल फिल्म फेस्टिवल के इनको जूरी मेंबर बनाया हुआ है और कुछ बोलोगे आप आ जाओ से समथिंग अपना कुछ एक्सपीरियंस नहीं बस शुक्रिया बहुत अच्छा आगाज है अंजाम भी अच्छा होगा और उम्मीद है हौसला है दुआ है थैंक यू असलम भाई धनंजय कुछ बोलना चाहेंगे सर कुछ हाँ बस तो आते